ट्रीटमेंट फॉर हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट में विल लाइकली इंक्लूड पीरियोडिक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ठीक है, हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के टाइम पे, ठीक है, जब अगर हीमोफीलिया का हमें ट्रीटमेंट करना है तो पीरियोडिक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आप किसका कर सकते हो। ओके, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा है, वो भी पीरियोडिकली, मतलब टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना है जब हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट चल रहा हो तब। ऑप्शंस क्या है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का, फैक्टर कंसनट्रेट्स का, वॉल ब्लड का, या फिर प्लेटलेट्स का। किसका आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करोगे जब आपको हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट करना है तब। अच्छा एमसीक्यू है, पूछा भी गया एग्जाम में। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर इस एमसीक्यू में, तो देखिए आपको आंसर समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हीमोफीलिया होता क्या है। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज अपन समझने की बात करें तो हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया एक प्रकार का ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक है, पेशेंट को इंजरी हो गई उसके बाद में पेशेंट की जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट और क्या एमसीक्यू बन सकता है, देखो यहाँ से कि हीमोफीलिया किस प्रकार की डिजीज है, तो ये एक प्रकार की एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है या फिर डिसऑर्डर है। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव से आप क्या समझते हो, देखो इससे का मतलब हो गया कि ये क्या है, एक प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आती है हीमोफीलिया, इसलिए हीमोफीलिया को अपन क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा रॉयल डिजीज कैसे, ठीक है। अब देखो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे जो हीमोफीलिया है वो क्या है, एक्स क्रोमोसोम पे जो क्या है एक अबनॉर्मल जीन यहाँ पे आ जाता है एक्स क्रोमोसोम पे, इसलिए इसको क्या कहा गया है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। अब देखिए फीमेल के अंदर हीमोफीलिया, देखो फीमेल के अंदर क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब देखिए फीमेल को, अगर फीमेल को जो आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन के अंदर या फिर आप जब नोट्स पढ़ेंगे आपने पढ़ा होगा कि हीमोफीलिया वाले केस के अंदर फीमेल कैसी होती है, हमेशा और हमेशा कैसी होती है, कैरियर होती है, ठीक है। मेल ही क्या रहते हैं, डेफिनेटिव उसके अंदर पेशेंट रहते हैं, बट फीमेल कैसी रहती है, कैरियर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि फीमेल के जो क्रोमोसोम है उसमें केवल एक पे ही क्या रहता है, जो डिफॉर्मेटिव जीन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन फंक्शनल जीन, ठीक है। कौन कौन से जीन हो सकते हैं, F8 F9, ठीक है। अब ये जीन किसको अल्टर करेंगे, अल्टर द कोगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो अब फीमेल कैरियर क्यों होती है, क्योंकि फीमेल में केवल एक ही प्रकार का क्रोमोसोम है, उसके ऊपर क्या रहता है, नॉन फंक्शनल जीन आके अटैच होता है। दूसरे पे क्यों नहीं रहता, क्योंकि देखो फीमेल अगर डिलीवर हो रही है तो उसके अंदर देखो एक फादर से क्रोमोसोम आएगा, एक आएगा क्रोमोसोम किससे, मदर से। फादर से क्रोमोसोम आ गया एक्स, मदर से क्रोमोसोम आ गया, तो क्या बन जाएगा, बेबी, बेबी कैसी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मदर में पहले से कोई अगर हीमोफीलिया होगा तो ही नीचे क्रोमोसोम, नीचे यहाँ पे क्या आएगा, क्रोमोसोम आएगा, फादर में होगा तो भी दोनों एक्स क्रोमोसोम पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। बट काफी रेयर कंडीशन होती है कि मदर फादर दोनों को ही क्या है, हीमोफीलिया हो, तब जाके फीमेल में चांसेस हो सकते हैं कि हाँ वो भी हीमोफेलिक पेशेंट है। मगर अगर देखिए यहाँ पे फादर फादर को क्या है, हेमोफीलिया है, मदर को हेमोफीलिया नहीं है, तो दोनों में से एक एक क्रोमोसोम पे क्या है, डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट नहीं रहेगा, केवल एक ही क्रोमोसोम पे क्या रहेगा, डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट रहेगा। इसलिए इसके ऊपर जो है वो पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार के साइन सिम्टम जो है पेशेंट के अंदर नहीं आएंगे, जबकि फीमेल कैसी रहेगी, कैरियर रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, मेल की, तो मेल के अंदर क्या रहता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो अगर फादर के अंदर फादर भी है तो फादर के अंदर भी क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है। अगर फादर के ऊपर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन बैठा है तो अगर फादर से वो जीन का ट्रांसफर किस में होगा, मेल चाइल्ड में, तो मेल में भी क्या रहेगा, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्ट रहेगा। अब मदर, अब मेल के अंदर दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता नहीं है, वाई क्रोमोसोम होता है, इसलिए ये एक ही एक्स क्रोमोसोम की वजह से क्या हो रहा है, मदर जो पेशेंट के अंदर, जो मेल पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रॉयल डिजीज। अब रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर अगर कोई जो किंग वगैरह थे तो उनके क्या है कि प्रिंस को ही ये क्या थी, ये डिजीज होती थी, प्रिंसेस को ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती थी। क्यों नहीं देखने को मिली, आपने समझ लिया होगा, इसलिए ये पहले राजा महाराजाओं वाली प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मेल जो बच्चा रहता है वही आगे क्या करता है, राज करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहा जाता है।
आई होप आपको थोड़ा क्लियरिफाई हुआ होगा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके नॉन फंक्शनल जीन आता है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। टाइप से क्या है कि ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस क्या होता है आपको समझना है। टाइप के अंदर इसको कहते हैं देखो, सबसे पहले हीमोफीलिया ए, इसके बाद में हीमोफीलिया बी, इसके बाद में हीमोफीलिया सी, इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है पैरा हीमोफीलिया, इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है एक्वायर्ड हीमोफीलिया। तो देखो हीमोफीलिया ए के अंदर क्या रहता है, कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी रहती है, कौन से प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी रहती है, तो फैक्टर 8 की, इसके अंदर फैक्टर 9 की, और इसके अंदर किसकी रहती है फैक्टर 11 की। ठीक है, पैरा हीमोफीलिया के अंदर कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी रहेगी, फैक्टर 5 की। अब कौन सा है एक्वायर्ड हीमोफीलिया, एक्वायर्ड का मतलब आफ्टर बर्थ पेशेंट ने क्या हो गया हीमोफीलिया एक्वायर कर लिया, लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हीमोफीलिया हो सकता है, कोई भी इम्यूनो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से भी हीमोफीलिया डेवलप हो सकता है, कैंसरस कंडीशन हो गई उसके अंदर भी हीमोफीलिया जो है वो डेवलप हो सकता है। तो इस प्रकार से 5 टाइप होते हैं हीमोफीलिया के। अब देखो क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है तो मतलब क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को इंजरी हो गई है, इंजरी होने की वजह से क्लोटिंग फैक्टर ही उसके अंदर नहीं है पेशेंट के, तो पेशेंट में क्या होगी ब्लीडिंग होगी, इसलिए हीमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होती है। अब देखो बात करते हैं अपने क्या क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पेरियोडिक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सेल्फ किसका कर सकते हो, तो देखो फैक्टर कंसंट्रेट का आप डायरेक्ट यहाँ पे इंजेक्शन मेथड से, ठीक है, इंजेक्शन मेथड से जो है वो पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये फैक्टर कंसंट्रेट्स है इसके अंदर क्या होते हैं क्लोटिंग फैक्टर रहते हैं, ठीक है, जिस हीमोफीलिया की डिफिशियंसी है उसमें वो वाला क्लोटिंग फैक्टर अपन लगाएंगे तो उसका इस तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा, अगर किसी को यहाँ पे सोचा होगा किसी ने करेक्ट आंसर, तो ये क्यों नहीं होगा, तो ये अपन किसके अंदर काम में लेते हैं प्लाज्मा रिप्लेसमेंट में, बट इससे भी अच्छा ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है फैक्टर कंसंट्रेट, क्योंकि फैक्टर की ही मेनली यहाँ पे डिफिशियंसी होती है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फैक्टर कंसंट्रेट। वॉल ब्लड वगैरह है ये कंप्लीट ब्लड को बढ़ाएगा, ना कि यहाँ पे क्लोटिंग प्रोसेस को ये ठीक कर पाएगा, ठीक है। बाकी प्लेटिलेट यहाँ पे अपन जो थ्रोम्बोसाइटोपनिया, ठीक है, प्लेटिलेट जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपनिया के अंदर डिफिशियंसी देखने को मिलता है, तो क्या करोगे प्लेटिलेट यहाँ पे अपन पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं, जिसमें प्लेटिलेट डिसफंक्शन वगैरह को प्रॉब्लम हो तो वहां पे अपन क्या करते हैं प्लेटिलेट लगाते हैं, जबकि हीमोफीलिया के अंदर प्लेटिलेट का कोई यहाँ पे अबनॉर्मलिटी नहीं होता, इसलिए अपन क्या करेंगे हीमोफीलिया में प्लेटिलेट नहीं लगाएंगे। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट होगा फैक्टर कंसंट्रेट का, अपन क्या करेंगे यहाँ पे पीरियोडिकली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं पेशेंट को। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है साइन एंड सिम्टम से भी आपको एमसीक्यू पूछा जाता है कि हीमोफीलिया के पेशेंट में क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन साइन सिम्टम की डिस्कशन करें तो क्या होगा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के बाद में क्या देखने को मिल सकता है आपको हीमेटोमास देखने को मिल सकता है, इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको पेनफुल हिमार्थ्रोसिस, मतलब जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है। तो ये कुछ सीवियर कंडीशंस हैं, बाकी जैसे इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है पेशेंट को, हेमेचूरिया हो सकता है, जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। अब देखिए हीमोफीलिया ए को अगर आपको ट्रीट करना है तो आप क्या दे सकते हो पेशेंट को डायरेक्ट, आप क्या प्रोवाइड करवा सकते हो डेस्मोप्रेसिन, ठीक है, डेस्मोप्रेसिन आप प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। ये किसको एक्टिवेट करता है स्टिमुलेट वॉन विल्बर्ट फैक्टर, ठीक है, वॉन विल्बर्ट फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, तो ये क्या करता है प्रोमोट स्टेबलाइजेशन, ऑफ रेसिडुअल फैक्टर
एट, ठीक है। हीमोफीलिया में क्या होता है, फैक्टर एट की कमी होती है, इसलिए जो हीमोफीलिया ए का अपन क्या दे सकते हो आप, उसमें डेस्मोप्रोसिन दे सकते हो। इसका दूसरा नाम क्या है, डी डी ए बी पी, अगर ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो करेक्ट करना है। ओके, बाकी जिस फैक्टर की कमी है वो फैक्टर आप लगाओगे तो पेशेंट के साइन सिम्टम क्योर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गया अपना शॉर्ट के अंदर क्या, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। आपके समझ में आया कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, मदर फीमेल यहाँ पे क्यों हमेशा ही कैरियर होती है, और ये मेल पेशेंट में ज्यादा क्यों देखने को मिलता है, हीमोफीलिया मेल पेशेंट में देखने को मिलता है, इसीलिए इसको क्या बोला, रॉयल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, इन ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड हेड इंजरी, एक पेशेंट है जिसमें आपको क्या सस्पेक्ट हुआ, हेड इंजरी, फ्रीक्वेंट असेसमेंट आर परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन, आपने क्या किया उसका फ्रीक्वेंटली असेसमेंट किया डिटरमिनेशन करने के लिए, इफ ए क्लाइंट इज डेवलपिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, आपको असेसमेंट में आपने डिटरमाइन किया कि हाँ क्लाइंट को क्या हो रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द आउटकम इफ देयर इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है उसको ये उसके आउटकम को ये डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि अगर ये चीज होगी तो उससे आईसीपी बढ़ेगा। ठीक है, ये आपको पता लगाना है। ऑप्शन क्या अपना, इंक्रीज इन सेरेब्रल परफ्यूजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यूज, इम्प्रूव्ड ब्रेन टिश्यू ऑक्सीजनेशन, या फिर इंक्रीज इन सीरम पीएच। ठीक है, ये क्या है, अपन क्या सोल्व कर रहे हैं अभी, अपन पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, जरा कुछ सोचने का वो नहीं है, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट होगा ब्रेन टिश्यूज का। ठीक है, या फिर जो भी ऐसी चीज जो इंट्राक्रेनियम के अंदर कोई चीज है, क्या हो सकता है यहाँ पे, ब्रेन पार्ट, ब्रेन लाइक अपना ब्रेन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, CSF हो सकता है। ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी आएगी तो ये क्या करेगी, इंट्राक्रेनियम के अंदर जो प्रेशर रहता है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, मोर देन 20 mm ऑफ IG से बढ़ा देंगे, तो हम क्या डिनोट करेंगे इसको कि भाई पेशेंट के अंदर ICP बढ़ गया है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यूज कैन लीड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। बाकी देखो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो सेरेब्रल परफ्यूजन है वो कैसा होगा, डिक्रीज होगा ना कि इंक्रीज होगा, ऑक्सीजनेशन जो है वो डिक्रीज होगी, और जो इसकी पीएच के अंदर जो है वो उसके अंदर भी क्या है, जैसे कीटोन बॉडीज वगैरह पेशेंट की बॉडी में बनेगी तो कीटोन बॉडीज कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज देखने को आपको मिलेगा। बट मेनली यहाँ पे जो है वो देखो ऑक्सीजन वगैरह कम होती है, आप क्या देख सकते हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस की वाली कंडीशन आप यहाँ पे जज कर सकते हो, मगर पीएच का यहाँ पे इतना रोल नहीं होता है, जबकि अपने बाकी के तीनों ऑप्शन यहाँ पे देख के अपने को आंसर यहाँ पे करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट विद डायबिटिक इंसिपिडस, इसके बारे में पूछा है आपको, डायबिटिक इंसिपिडस का आपको साइन सिम्टम पूछा है कि कौन सी फाइंडिंग आप क्या करोगे एक्सपेक्ट करोगे पेशेंट को, अगर पेशेंट को क्या है डायबिटिक इंसिपिडस है। ऑप्शन में क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसके आंसर को जानने से पहले आपको समझना होगा डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, शॉर्ट रिव्यू करते हुए चलेंगे। तो देखिए डायबिटिक इंसिपिडस का मतलब क्या हो गया, डिसऑर्डर ऑफ फ्लूइड बैलेंस
कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्ट इन यूरिन कंसंट्रेशन, इट कैन लीड टू एक्सक्रिएशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यूरिन भी कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा, ठीक है, डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, ये एक प्रकार की कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि यूरिन कंसेंट्रेशन का बैलेंस यहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं रहेगा और काफी एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या रहेगा, यूरिन का एक्सक्रिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो सिंपल वर्ड में अगर अपन समझे तो क्या है, देखो डायबिटीज का क्या मतलब होता है, टू पास थ्रो एंड इंसिपिडस का क्या मतलब होता है, टेस्टलेस। तो इस लाइन से आप क्या समझ सकते हो, डिसऑर्डर ऑफ साल्ट एंड वाटर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसके अंदर साल्ट एंड वाटर का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से क्या है, फ्लूड बैलेंस इम्बेलेंस दिखेगा, लार्ज अमाउंट के अंदर क्या रहेगा, यूरिन का एक्सक्रिएशन देखने को मिलता है। अब देखिए ये भी दो टाइप की होती है, दो फैक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायबिटिक के लिए, कौन कौन से फैक्टर है, फर्स्ट वन यहाँ पे क्या है, न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, मतलब क्या हो गया, ब्रेन से रिलेटेड कोई फंक्शन अल्टर हो गया। तो देखिए न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो क्या होगा, डिक्रीज या फिर एब्सेंस सीक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या है एडीएच का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर या तो डिक्रीज हो जाएगा या फिर एब्सेंस में क्या होगा, एंटी डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस के फंक्शन को एंटागोनाइज करने वाला हार्मोन, यही अगर बॉडी में नहीं है तो क्या होगा, एक्सेस के अंदर डायूरेटिक फंक्शन होगा बॉडी का। तो एक ये हो गया अपना न्यूरोजेनिक कोज, अब ये क्या हो सकता है, कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अंदर किसी प्रकार का ट्रोमा देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। सेकेंड वन कौन सा होता है डायबिटिक का पार्ट, वो होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में क्या हो गया, किडनी अनरेस्पॉन्सिव टू एडीएच सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब किडनी है वो एडीएच के साथ में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती, इसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा किडनी के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक्वापोरियन रिसेप्टर, ठीक है, जो वाटर बैलेंस करने में काम करता है, ये इस रिसेप्टर के ऊपर जो जीन होता है वो जो है वो एडीएच के खिलाफ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है। तो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस, मतलब क्या हो गया कि एडीएस तो बन रहा है, मतलब न्यूरोजेनिक तो नहीं है मगर किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो क्या कहेंगे, नेफ्रोजेनिक, और एडीएच ही नहीं बन रहा है तो क्या कहेंगे हम इसको, न्यूरोजेनिक। अब देखिए नेक्स्ट यहां से क्या एमसीक्यू बनता है, इसके साइन एंड सिम्टम से एमसीक्यू बनता है। देखो तो साइन एंड सिम्टम मोस्ट कॉमन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पोलीयूरिया, ठीक है, पोलीयूरिया का मतलब हो गया एक्सेसिव अमाउंट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, यूरिन आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर क्या है न्यूरोजेनिक, ठीक है, न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस है पेशेंट में क्या हो रहा है, पोलीयूरिया होता है, तो इसका क्या है अमाउंट क्या रहेगा इसका, ये इस अगर न्यूरोजेनिक से हो रहा है तो मतलब क्या हो गया, डिग्रीज है इसके अंदर क्या, एडीएस बन ही नहीं रहा किसी प्रकार का। दूसरा नेफ्रोजेनिक, तो देखो इसका भी आप दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हो। तो देखिए नेफ्रोजेनिक होगा तो क्या देखने को मिलेगा, डेली आउटपुट कितना देखने को मिलेगा, मोर देन 3 लीटर इन एडल्ट एंड मोर देन 2 लीटर इन चिल्ड्रंस, ठीक है, ये क्या डिनोट करेगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, ज्यादा यूरिन आउटपुट करेगा, ब्लड कैसा होगा इसके अंदर, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस के अंदर ब्लड जाएगा, ब्लड वहां पे हाइपोथैलेमस क्या देखेगा कि भाई इसके अंदर वाटर की कमी है, तो पेशेंट क्या करेगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर वाटर इनटेक करेगा, ठीक है, पॉलीयूरिया हो रहा है, ठीक है। इसके साथ में और क्या देखने को मिलेगा, नॉक्टूरिया, नाइट टाइम के अंदर भी क्या होगा, बेड वेटिंग होगा, पेशेंट को यूरिन आउटपुट होगा। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर यूरिन हो रहा है,
तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन भी पेशेंट को देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसमें एक आप क्या करोगे, डायग्नोसिस करते हो, एक टेस्ट करते हो, उसका क्या नाम होता है, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसके अंदर, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। तो वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करने का क्या मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, डिफरेंस कर देगा किसको, न्यूरोजेनिक को एंड नेफ्रोजेनिक को। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एडीएच हार्मोन अपन क्या करते हैं, सबक्यूटेनियसली पेशेंट को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद में टेस्ट को यहाँ पे रिजल्ट देखा जाता है। इसके बाद में देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें तो आप क्या दे सकते हो, डेस्मोप्रेसिन। ठीक है, डेस्मोप्रेसिन दे सकते हो। इसके बाद में और क्या दे सकते हो, क्लोरप्रोपामाइड दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या जाएगा, अब सब कुछ अपन ने देख लिया है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, क्योंकि बॉडी में क्या नहीं है, एडीएच नहीं है, एंटी डायुरेटिक हार्मोन नहीं है, तो डायुरेटिक का काम बॉडी खूब करेगी तो यूरिन आउटपुट ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यूरिन ज्यादा देखने को मिलेगा तो बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए पेशेंट क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में पानी पिएगा, तो मतलब पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो एडीएच यहाँ पे नहीं है तो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी रहेगी, डिक्रीज रहेगी डायबिटिक इंसिपिडस की, तो इंक्रीज किसमें रह सकती है, एस आई ए डी एच के अंदर। ठीक है, सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन के अंदर क्या रहेगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। बाकी अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस ये इसमें नहीं होता है, हाइपरग्लाइसेमिया किसमें होता है, डायबिटिक मेलिटस में होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, यूरिन इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, और दूसरा क्या जा सकता है, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 70 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी इन 2 आवर्स। ठीक है, एक 70 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, उसका 2 घंटे में उसकी सर्जरी शेड्यूल्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग वॉरंट द मोस्ट इमीडिएट नोटिफिकेशन टू द फिजिशियन, ऑफ द फिजिशियन, मतलब कौन सी आपको लेबोरेटरी फाइंडिंग पे आपको क्या करना है, मोस्ट इमीडिएटली आपको फिजिशियन को नोटिफाई करना है सर्जरी से पहले, आपको ऐसी क्या फाइंडिंग मिल गई उसमें आपको ये हो सकता है पेशेंट को हजार्ड कर दे, पेशेंट के लिए डेंजरस हो जाए ये फाइंडिंग, तो आपको फिजिशियन को नोटिफाई करना है। ऑप्शन क्या अपने पास में, प्रोथ्रोम्बिन टाइम 22 सेकेंड्स, हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डीएल, क्रिएटिनिन 1.0 mg/dL, पोटेशियम 4.6 mEq/dL। क्या होगा करेक्ट आंसर अपना, तो देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था, इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे, क्या होता है, अफेक्ट होता है, और पेशेंट में क्या होता है, कोगुलेशन एल्टर या फिर कोगुलेशन में भी अफेक्ट होता है। इसमें देखो इंट्रिंसिक पाथवे अगर आप पढ़ोते हो तो आप क्या पढ़ते हो, एपीटीटी। ठीक है, एपीटीटी आप देखते हो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए, और एक्सट्रिंसिक पाथवे अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए आप क्या देखते हो, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और देखिए नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो कितना होता है, 10 to 15 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिला, 22 सेकेंड्स, तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे है वो यहाँ पे कोगुलेशन फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, और हो सकता है कि पेशेंट को क्या कोज कर दे, ब्लीडिंग हो जाए ड्यूरिंग सर्जरी, और ब्लीडिंग कंट्रोल भी ना हो, इसलिए पीटी आईएनआर अपन असेस करवाते हैं, पीटी बढ़ा हुआ रहता है तो अपन सर्जरी को थोड़ा डिले करते हैं। ओके, तो अपना आंसर क्या जाएगा करेक्ट, 22 सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है, एक अबनॉर्मल टाइम है। आंसर भी कौन सा जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर बी सी डी, 11 ग्राम हीमोग्लोबिन लेवल, क्रिएटिनिन 1 mg, पोटेशियम 4.6, ये सभी क्या है, नॉर्मल रेंज के अंदर है, इसलिए ए यहाँ पे पेशेंट के लिए डेंजरस नहीं है,
जितना डेंजरस क्या है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, दो एमसीक्यू और है। एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए आपको क्या देखना होता है पीटी, एंड इंट्रिंसिक पाथवे के लिए क्या देखना होता है आपको एपीटीटी। ओके, एमसीक्यू बनता है इनसे भी। तो बाकी देख ली हीमोफीलिया के अंदर, ये थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था आपको, अभी मैं डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट व्हेन प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर डिगोक्सिन इन ए पीडियाट्रिक क्लाइंट हु हैज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देखिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमने कल भी पढ़ा था, आज भी एमसीक्यू आया है, तो हो सकता है आपके, देखो ये भी हम क्या सोल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, हो सकता है, देखो कार्डियक सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है यूपीयूएमएस वापस इसके बारे में एमसीक्यू आपसे पूछे। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा टेस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इवैल्यूएट कर रहा, इवैल्यूएट कर रहे हैं आप उसको एडमिनिस्टर करते टाइम, कब, डिजोक्सिन के टाइम पे। क्लाइंट अपना क्या है, पीडियाट्रिक क्लाइंट है, बच्चा है, हु हैज, बच्चे को क्या हो गया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, राइट का हो सकता है, लेफ्ट का हो सकता है। ऑप्शंस कौन से हैं, सीरम मैग्नीशियम लेवल को असेस करना है, सीरम पोटेशियम लेवल असेस करना है, सीरम सोडियम लेवल असेस करना है, या फिर सीरम क्लोराइड लेवल को असेस करोगे। पेशेंट को क्या दे रहे हो, डिगोक्सिन, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा डिजोक्सिन के बारे में पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू पूछ रहा था इनसे भी, खूब सारे एमसीक्यू बताऊंगा मैं भी आपको। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिजोक्सिन की क्लास कौन सी होती है, तो क्लास कौन सी होती है, कार्डियक ग्लाइकोसाइट। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइट्स होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं पॉजिटिव आयनोट्रोप्स। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइट किसको कहते हैं, डिजोक्सिन को ही, और पॉजिटिव आयनोट्रोप्स किसको कहते हैं, डिजोक्सिन। आयनोट्रोप्स का क्या मतलब हो गया, ये कंडक्शन पावर को ये क्या करती है, सॉरी ये कंप्रेशन पावर को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये एक्शन कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है डिजोक्सिन का। तो देखिए डिजोक्सिन क्या करती है, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक तो क्या करती है, मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इसके बाद में अगर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज होगी तो ब्लड ब्लड सप्लाई वगैरह वो अच्छी होगी हार्ट की, साथ साथ क्या करेगी, इंक्रीज मायोकार्डियल O2 कंजप्शन। अब और साथ में क्या करती है, इंक्रीज वेगल टोन स्टिमुलेशन। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, स्लो कंडक्शन बाय एसए एंड एवी नोड। अब स्लो कंडक्शन होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट की हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो ये भी एमसीक्यू है, 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 हर लाइन में एमसीक्यू बन रहा है। आपने पढ़ा होगा कि डिजोक्सिन क्या करती है, हार्ट रेट को कम करती है, क्यों करती है, क्योंकि क्या करते हैं, एसए नोड एवी नोड्स की कंडक्शन पावर को कम कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि ये क्या कर देती है, वेगल नर्व को स्टिमुलेशन कर देती है। इसी के साथ ही ये क्या करती है, काम में क्यों लेते हैं इसको, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि क्यों लेते हैं, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हमने पढ़ा था कि हार्ट जो है वो इनफ अमाउंट के अंदर पंप नहीं कर पाता है, बॉडी की नीड फुलफिल नहीं होती है, इसलिए हम क्या देते हैं, डिजोक्सिन देते हैं। कौन से टाइप की, कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की होती है, पॉजिटिव आयनोट्रोप्स, नेगेटिव डेमोट्रोफिक। ओके, तो ये कुछ हो गया बेसिक सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखिए डिजोक्सिन का आप यूज कहाँ कहाँ करोगे, तो सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ लिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर आपने इसको पढ़ लिया। इसके बाद में यूज कहाँ देखने को मिलेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर, और कहाँ देखने को मिलेगा, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इन कंडीशंस के आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इसको
यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेट, ये ड्रग किस किस में कॉन्ट्रा इंडिकेट है, अगर पेशेंट को इससे क्या हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो, इसके बाद में क्या देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो पेशेंट के अंदर, इसके बाद में इनमें क्या करना है पेशेंट को, आपको ये कॉन्ट्रा इंडिकेट रखनी है। अब देखिए डिजोक्सिन से देखो दो ही एमसीक्यू बन गए आपके, अब डिजोक्सिन से और एमसीक्यू क्या बनते हैं, इसके साइड इफेक्ट से भी एमसीक्यू बनता है, क्या बनता है, नोजिया वोमिटिंग करवाता है, डायरिया कोज करवाता है, एनोरेक्सिया कोज करवाता है डिजोक्सिन, इसके बाद में ऑक्सीपिटल हेडेक, इसके बाद में और क्या करवाता है, हाइपोकैलेमिया। यहां से एमसीक्यू बनता है, हाइपोकैलेमिया साइड इफेक्ट होता है डिजोक्सिन का, ठीक है। अभी एक आपको और देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया कब होता है, जब डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तब क्या देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया। और यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, वीकनेस देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, ब्रेडीकार्डिया। अभी मैंने आपको बताया था हार्ट रेट क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब क्या हो गया, ब्रेडीकार्डिया कॉज करता है। अब देखिए एमसीक्यू और बनता है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए अगर आप पेशेंट को डिजोक्सिन दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉनिटर लेवल, डिजोक्सिन का क्या होना चाहिए, लेवल को मॉनिटर करना है, कितना रहना चाहिए, 0.8 to 2.0 mg/ml, ठीक है। ये क्या रहता है, इसका लेवल रहता है थेरापिटिक, और साथ साथ में क्या मॉनिटर करना है, पोटेशियम लेवल भी मॉनिटर करना है। क्यों करना है, क्योंकि डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। इसके साथ साथ में क्या करना है आपको, ऑलवेज मॉनिटर 1 मिनट फुल एपिकल पल्स प्रेयर टू एडमिनिस्टर डिजोक्सिन, देने से पहले आपको पूरी 1 मिनट तक जो है आपको एपिकल पल्स को असेस करनी है, और अगर एपिकल पल्स लेस देन 60 आई तो आपको क्या करना है, होल्ड करना है, ठीक है। डोज को क्या करना है, होल्ड करना है, नोटिफाई करना है किसको, फिजिशियन को। अब देखिए इसके बाद में और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, एडवर्स रिएक्शन। बात करते हैं अपन डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी की, तो टॉक्सिसिटी में आपको क्या देखने को मिलता है, नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलती है, ब्लड विजन देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। अब देखिए एंटीडोट ऑफ टॉक्सिसिटी, एंटीडोट क्या होता है डिजोक्सिन का, तो डिगीबिंड या फिर डिगीबाइंड, आप डिगीबाइंड भी कह सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट होगा, सीरम पोटेशियम लेवल यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट होगा। इसको आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है, अगर लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा तो भी आपको क्या करना है, क्या समझना है कि टॉक्सिसिटी हो रही है, अगर लेवल कम होता है तो आप क्या समझते हो, इसको साइड इफेक्ट है डिजोक्सिन का, ठीक है। साइड इफेक्ट होगा तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, एंड टॉक्सिसिटी होने के बाद में क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। ओके, कॉन्सेप्ट है ये, अच्छे से समझ में आप कर लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी देखो सोडियम का लेवल का आप मॉनिटर कब करोगे, जब आप पेशेंट को क्या दोगे, लिथियम। लिथियम क्या करता है, सोडियम का इम्बेलेंस करवाता है, तो ये आप लिथियम पे ध्यान में रखना, डिजोक्सिन किसका करवाता है, पोटेशियम का। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है तो इसका अर्लीस्ट साइन क्या होगा, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेंज होंगे, चेंज इन एलओसी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड सेंसेशन, या फिर डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर,
आईसीपी बढ़ गया है तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए इसके अंदर अपना आंसर क्या रहेगा, अर्ली सन का पूछा तो क्या होगा करेक्ट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होगा, चेंजेस होंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेंजेस आपको कब देखने को मिलेंगे, लेटर, ठीक है, डिले, लेट साइन के अंदर क्या आता है, प्यूपिलरी चेंजेस, अल्टर्ड सेंसेशन, देखो अल्टर्ड सेंसेशन इससे यहाँ पे कोई एसोसिएटेड नहीं होता है कि भाई आईसीपी बढ़ गया तो आपकी बॉडी के सेंसेशन आने बंद हो गए, इससे रिलेटेड नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कभी भी आईसीपी के साथ में ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज नहीं होता है, हमेशा क्या होता, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा आईसीपी के साथ में, ठीक है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो मतलब साथ साथ में क्या करेगा, हाइपरटेंशन भी कोज करवाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन आईसीपी के प्रेशर की, बात करते हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो देखिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर एक प्रकार की क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। अब मेडिकल इमरजेंसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखो इंट्राक्रैनियल प्रेशर तब बढ़ता है जब क्या हो, कोई ना कोई प्रकार का हेड इंजरी हो, ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या हो जाए, स्ट्रोक की कंडीशन हो जाए, तब क्या होता है, आईसीपी बढ़ता है। तो अब देखिए दूसरा बात, इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ गया और बढ़ के क्या हो गया, मीन आर्टेरियल प्रेशर से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो अब ये क्या लीड करेगा, दिस मीन ब्रेन नो लॉन्गर रिसीव ऑक्सीजन, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर से अगर आईसीपी ज्यादा बढ़ गया है तो ये क्या डिनोट करता है कि ब्रेन को अब ऑक्सीजन कंजप्शन के अंदर क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखिए यहां से आपको क्या, इसकी वजह से ब्रेन क्या करेगा, ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तो सबसे पहले प्राइमरी के अंदर क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सबसे पहले क्या होगा, अफेक्ट होगा। इसके बाद में क्या होगा, क्या होगा, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अफेक्ट हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, इसके बाद में पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा। अब जब पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो हमें कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्या साइन सिम्टम होगा, ठीक है। देखिए साइन सिम्टम इस प्रकार से अपन डिनोट कर सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, सबसे पहले क्या होगा, हार्ट रेट कैसी हो जाएगी पेशेंट की, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, वाइडन ठीक है, वाइडन पल्स प्रेशर है वो वाइड हो जाएगा। इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो देखो ये तीन साइन सिम्टम है वो मोस्ट कॉमन होते हैं, हर पेशेंट में देखने को मिलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कजिंग ट्राइड, इन्हें हम क्या कहते हैं, कजिंग ट्राइड ऑफ द इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर ही होता है। तो ये तीनों साइन सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे हर पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पल्स प्रेशर क्यों देखने को मिलता है, तो पल्स प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज डिफरेंस बिटवीन, इंक्रीज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से क्या होता है, जो पल्स का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, उनमें एक दूसरे में डिफरेंशिएट आता है। इसके बाद में और क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, पेशेंट की जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, लेथार्जिक हो जाएगा, ठीक है, हेडेक होगा पेशेंट को। और देखिए बच्चे के अंदर अर्ली साइन सिम्टम पूछे तो क्या होगा, वॉमिटिंग, ठीक है, बच्चा है तो वो इजिली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल कॉन्शियसनेस किसमें होता है, एडल्ट में, जबकि बच्चे में क्या होगा, आईसीपी बढ़ेगा तो वॉमिटिंग होता है अर्ली साइन सिम्टम के अंदर। और क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्लड विजन, और क्या देखने को मिल सकता है आपको, बच्चे के या फिर एडल्ट के बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या बात हो गई अपनी, आईसीपी की बात हो गई कंप्लीट, इससे बाहर आपको वो साइन सिम्टम में से आईसीपी से एमसीक्यू नहीं पूछता है। आईसीपी बढ़ा हुआ अपन कब मानते हैं, जब मोर देन 20 mmHg से ज्यादा वैल्यू पहुंच जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई आईसीपी। इसके अलावा देखिए आईसीपी को ट्रीट करने के लिए अपन क्या देते हैं, मैनिटोल, मैनिटोल क्या होती है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जो ट्रीट करने में काम आती है इंट्राक्रैनियल
प्रेशर को। इसके बाद में पेशेंट को आप क्या कर दोगे, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन करने से क्या होगा, ब्रेन की स्वेलिंग है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। हेड को क्या कर दो, इलेवेट कर दो, तो मतलब क्या कर दो, रिवर्स, रिवर्स टेंडरल नंबर क्या दे दो उसको, पोजीशन दे दो। देखो कहाँ कहाँ कहीं के मेरे जो वर्ड्स है वो छोटे देखने में मिलेंगे आपको, क्योंकि अब देखो एक ही पेज मेरे पास में है, तो इसमें क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी आप थोड़ा फोकस बना के रखो, ठीक है। तो अभी आप बच्चे तो हो नहीं कि आपको हर एक चीज अच्छे से लिखा लिखा के समझें, तो साथ साथ में मेरे जो वर्ड्स है उनको थोड़ा अच्छे से सुनने में कोशिश किया करो, ईयरफोन वगैरह लगा के बैठा करो, और जो मोबाइल को है वो आप थोड़ा स्क्रीन वाइड कर लेना, ठीक है। इसकी तो इसी वजह से आप क्या है कि थोड़ा आपको बेटर विजुअलाइजेशन होगा। इसके साथ में और आप क्या दे सकते हो, अगर इन सब से भी नहीं हुआ तो फाइनल आप क्या कर सकते हो, क्रेनियोटोमी, ठीक है। ये तो लास्ट ट्रीटमेंट होता है, अगर इनसे कंट्रोल में नहीं हुआ तो आप क्रेनियोटोमी भी करनी पड़ सकती है पेशेंट की। तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या जाएगा अपना, करेक्ट, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, देखिए हर एक एमसीक्यू के अंदर अपन मोर देन 5 to 6, 5 to 10 अपन क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे आपको 10 एमसीक्यू सोल्व कर रहा हूँ, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो मैं आपको मोर देन 100 एमसीक्यू बता चुका हूँ। एक मेरा वीडियो सेशन रहता है, एक वीडियो सेशन में अपन मोर देन 100 एमसीक्यू अपन सोल्व कर रहे होते हैं। अगर आप लिखने बैठोगे तो आपको 100 एमसीक्यू मिल जाएंगे इस एक अपने एक या अपने सेशन से, ठीक है। तो अपनी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इफेक्टिव है, नोट सेट के लिए भी है और अपने यूपी यूएमएस के लिए भी है, ठीक है। इजी पेपर नहीं आता है, अच्छा पेपर बनाता है यूपी यूएमएस भी, ठीक है। लाइक नोट सेट जितना तो नहीं बट अच्छा पेपर बनाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन ए पेशेंट विथ एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस विच शुड बी मॉनिटर्ड बाय द नर्स। देखो पेशेंट को क्या हो रहा है, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस हो रहा है, तो इसमें कौन सा सिम्टम जो है वो नर्स को यहाँ पे मॉनिटर करना है। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, रीबाउंड टेंडरनेस इन लेफ्ट लोअर एब्डोमन, ठीक है। लेफ्ट लोअर एब्डोमन पे क्या हो रहा है, रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिल रहा है आपको। फ्लैंक पेन ऑन द अफेक्टेड साइड, जिस साइड के अंदर पायलोनेफ्राइटिस हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उस साइड में क्या देखने को मिले आपको, फ्लैंक पेन देखने को मिले। अबनॉर्मली लो पल्स रेट, पल्स रेट क्या हो, पेशेंट की लो हो जाए, और लो ग्रेड फीवर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया है। देखिए पायलोनेफ्राइटिस का क्या मतलब होता है ये आप समझना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया, एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ किडनी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंफ्लामेटरी इंफ्लामेटरी इंजरी टू ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब इंफ्लामेटरी इंजरी होगी ग्लोमेरुलस के पास में किडनी के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फ्लैंक पेन होगा पेशेंट को, ठीक है। फ्लैंक पेन होगा अफेक्टेड साइड में, जिस साइड की किडनी के अंदर इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, तो उस साइड की अफेक्टेड साइड के अंदर क्या होगा पेशेंट को, फ्लैंक रीजन के अंदर पेन होगा। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लैंक पेन ऑन द अफेक्टेड साइड। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू आज की क्लास का, ए 45 ईयर ओल्ड पेशेंट हु अंडरवेंट एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी 5 days बिफोर। एक 45 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको क्या किया गया था, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी उसको किया गया था 5 दिन पहले। हैज प्रेजेंटेड विद, अभी उसको क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डिस्टेंडेड एब्डोमन, एब्डोमन का जो डायमीटर है वो बड़ा हुआ है, अब्सेंस ऑफ फ्लैटस, किसी प्रकार का गैसियस यहाँ पे आउटपुट नहीं है, और क्या है, एब्सेंट ऑफ बोवेल साउंड, बोवेल साउंड भी अभी तक उसका कैसा है, एब्सेंट है। अब इतने सारे साइन सिम्टम बाद में आने के बाद में, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन दैट इज लाइकली टू अकर। अब ये सारे साइन सिम्टम आ गए हैं तो आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशन को आपको असेस करना है, पैरालिटिक इलियस, एक्यूट पेरिटोनाइटिस, वॉन्ट डेहिसेंस और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो क्या जाएगा अपना करेक्ट आंसर, देखिए वुंड डेहिसेंस का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ वुंड एजेस,
ठीक है, ये अपना क्या लगाया हमने, स्टिच लगाया और हमने क्या कर दिया, स्टिच से कवर कर दिया। बट अब अगर क्या हो रहा है, सेपरेट सेपरेशन साइड से, मतलब ये क्या है, इधर वाली एज है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, अब इन दोनों की एज से क्या हो रहा है, जो स्टिच लगाए हमने वो ब्रेक हो गए हैं या फिर किसी और रीजन से क्या हो गए, खुल गए हैं। तो अब यहाँ से क्या हो गया, जो वुंड है वो ओपन हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, वुंड डेहिसेंस। ऐसी एक और होती है एविस्ट्रेशन। एविस्ट्रेशन में क्या होता है, जो जो ऑर्गन रहता है वो क्या होता है, प्रोट्रूशन आउट हो जाता है उस ऑर्गन का, उसे हम क्या कहते हैं, वुंड डेहिसेंस। तो ये तो हुआ नहीं, वुंड एविस्ट्रेशन भी नहीं है, वुंड डेहिसेंस भी नहीं है। एक्यूट पेरिटोनाइटिस, अब देखो पेरिटोनाइटिस आइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन। तो पेशेंट को क्या आना चाहिए, पेशेंट को आना चाहिए फीवर आना चाहिए। फीवर होगा तो पेशेंट को क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा। और देखिए एक साइन होता है एक्यूट पेरिटोनाइटिस को, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लमबर्ग साइन। ठीक है, ब्लमबर्ग साइन भी देखने को मिलता है। तो ये सारे साइन किसमें देखने को मिलते हैं, एक्यूट पेरिटोनाइटिस में। ये साइन भी नहीं है तो अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, पैरालिटिक इलियस। इलियस का रीजन है वो भी कैसा है, पैरालिसिस है उसके अंदर ड्यू टू सर्जरी। ठीक है, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन होती है। तो मेजर एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर पैरालिटिक इलियस की कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन वगैरह देखने को मिलता है और जो एब्डोमिन डिस्टेंडेड होगा, किसी प्रकार का गैसियस एक्सचेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको, आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। बोवेल साउंड भी कैसे रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर क्या जाएगा करेक्ट, पैरालिटिक इलियस। सर्जिकल साइन इन्फेक्शन का, उसमें भी सेम फीवर वगैरह होगा पेशेंट को, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, पैरालिटिक इलियस। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लगा हो, और कमेंट भी जरूर करके जाना अगर कोई डाउट्स वगैरह हो आपके, तो हमें पता लगे भाई आपको क्या डाउट्स आ रहे हैं, हम उसको क्लियर करेंगे कमेंट के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी आप कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कम टाइम के अंदर आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट बने रहने के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि इससे भी अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे।